तो वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, जिब्रेलिन, ये विभिन्न जैव सक्रिय पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिनसे पौधे की बढ़वार अच्छी होती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। जबकि यही जैव सक्रिय पदार्थ किसान भाइयों को बाजार से महंगे दामों में खरीदना पड़ता है। यदि आप वर्मी कंपोस्ट का नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करके लहसुन की फसल का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि वर्मी कंपोस्ट में जो पोषक तत्व हैं वो गोबर की खाद से भी दोगुनी मात्रा में उपलब्ध होते हैं, और जो वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्व होते हैं वो पौधों को आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाला हूँ कि वर्मी कंपोस्ट उपयोग करने से लहसुन की फसल में क्या फायदे होते हैं, वर्मी कंपोस्ट की शुद्धता को कैसे पहचाने, और वर्मी कंपोस्ट कब और कितनी मात्रा में लहसुन की फसल में देना चाहिए। तो आइए वर्मी कंपोस्ट की शुद्धता को जांचते हैं। ये देखिए, एक ग्लास में इस तरह आपको कांच के ग्लास में पानी ले लेना है और थोड़ा सा ग्लास को खाली रखें। इस ग्लास में आपको ये करना है कि ये वर्मी कंपोस्ट को आपको डालना है इसमें, इस तरह से एक चम्मच के लगभग आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दें। और आप ये देख रहे हैं, इसमें देखिए धीरे धीरे ये वर्मी कंपोस्ट नीचे बैठता जा रहा है और ऊपर पानी बिल्कुल साफ जैसा पहले था वैसा दिखने लगा है। अर्थात यह वर्मी कंपोस्ट शुद्ध वर्मी कंपोस्ट है, नीचे पूरा बैठ चुका है। तो आइए समझते हैं वर्मी कंपोस्ट को लहसुन की फसल में कितनी मात्रा देनी है और कब कब देनी है। इसके लिए जो विभिन्न रिसर्च अनुसंधानों से जो डेटा प्राप्त है उसके अनुसार 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ लहसुन की फसल में वर्मी कंपोस्ट देना चाहिए। इसका देने का जो तरीका है वो सबसे सही तरीका वह यह है कि लगभग आधी मात्रा जो कि 8 से 10 क्विंटल है वो आप खेत की तैयारी करें और आखिरी बखर जब चलाते हैं उससे पहले खेत में दे दें और ऊपर से बखर चलाकर खेत में लहसुन की फसल लगा दें। इसके पश्चात में दूसरा डोज जो कि 50% आपको देना है वह आपको जब पहली निंदाई गुड़ाई करें 30 से 35 दिन की अवस्था पर दें। निंदाई गुड़ाई करते समय पहले निंदाई कर दें, उसके बाद में ऊपर से वर्मी कंपोस्ट को छिड़क दें और फिर खेत में सिंचाई कर दें, जिससे जो वर्मी कंपोस्ट में उपस्थित पोषक तत्व हैं वो लहसुन की फसल में जड़ के पास चले जाएंगे और फसल को फायदा होगा। आज का आखिरी पॉइंट वह है कि वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से लहसुन की फसल में फायदे क्या होते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व के अलावा इसमें साइटोकाइनिन, अमीनो अम्ल, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, ये विभिन्न जैव सक्रिय पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिनसे पौधे की बढ़वार अच्छी होती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। जबकि यही जैव सक्रिय पदार्थ किसान भाइयों को बाजार से महंगे दामों में खरीदना पड़ता है। यदि आप वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करेंगे तो आपको यह बाजार से खरीदने की आवश्यकता ही नहीं होगी और फसल का उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ इसमें जो लहसुन की कीपिंग क्वालिटी, कलर, अपीयरेंस, इनमें सुधार होता है और भूमि की उर्वरा शक्ति को ये वर्मी कंपोस्ट बनाए रखता है। मेरे फार्म जो कि सीहोर में है वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट तैयार हो रहा है, वर्मी कंपोस्ट की छनाई चल रही है और ये अगस्त का महीना है। अभी 15 सितंबर के बाद किसान भाई लहसुन को लगाना शुरू कर देते हैं, तो हमारे पास शुद्ध वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है। यदि आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं, मेरा चैनल है जैविक किला के नाम से, इस पे वर्मी कंपोस्ट की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है और लहसुन की फसल के बारे में भी मैं खेत की तैयारी से लेकर तो कटाई तक के वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप जुड़े रहिए और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।